हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। एंड हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। वीडियो है कल का। यूजुअली मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं कि दी आप चाय कैसे बनाते हो, वो प्रोपोर्शन चाहिए। तो चाय है ना, हर कोई बिल्कुल ही अलग अलग तरीके से बनाता है। हर किसी की चाय में पसंद भी अलग अलग होती है। लेकिन अगर आप मुझे ऐसा पूछ रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आप बिगनर हो, तो मैं उस हिसाब से जो मोटा मोटा नाप होता है ना वो आपको बता देती हूँ। तो मैं आमतौर पर रोज़ ऐसा नहीं करती हूँ, पर आपको सही से इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं बता रही हूँ। मैं बना रही हूँ एक कप चाय, क्योंकि शर्मा जी चाय नहीं पियेंगे, लस्सी पियेंगे। उनके लिए लस्सी थोड़ी देर बाद बनाती हूँ, पहले मैं चाय चढ़ा दूँ। तो एक जैसे दो ग्लास मैंने इसलिए लिए हैं जिससे मैं आपको रेशियो बता सकूँ। बेसिकली जितना दूध उतना ही पानी चाहिए होता है हमको, तो मैंने भर लेती हूँ। ओके, बराबर दूध बराबर पानी। और कुछ लोगों का सवाल था कौन सा केटल मैं यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास है ये महाराजा वाइट लाइन, और मैंने ब्लॉग में दिखाया भी था। ये मैंने खरीदा नहीं है, मेरे हस्बैंड के ऑफिस से गिफ्ट में आया था, तो इसलिए मैं ये ही यूज़ करती हूँ। ये मेरा चॉइस नहीं है बाय द वे, बट इट वर्क्स वेरी नाइस। तो मैं तो चाय और दूध साथ ही डाल देती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को एकदम करेक्ट रेशो मिले, करेक्ट हिसाब मिले, आपको उसी तरह बता रही हूँ जिस तरह होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ले लीजिए पानी। तो नॉर्मली चाय बनाने का प्रोसीजर यही होता है, सबसे पहले पानी ही उबाला जाता है, उसमें चाय पत्ती वगैरह आप डाल दीजिए। मैं यूजुअली पीती हूँ अदरक की चाय, तो मैं यहाँ पे अदरक को कूट कर ले रही हूँ। अगर आप इलायची वाली चाय पीते हैं तो इलायची डाल सकते हैं। मसाला चाय पीते हो तो मसाला डाल सकते हो यहाँ पे, एज इन लौंग, इलायची, सिनेमन, वो सब चीज़ें। तो वो सब कुछ पानी में डाल के, चाय पत्ती डाल के, और आपको लाना है एक उबाल। अच्छे से उबल जाएगा, आपका कॉन्कॉक्शन अच्छा तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप ऐड कीजिए इसमें दूध, और दूध ऐड होने के बाद आपको इसे एक उबाल लाना है। मैं यूजुअली दूध डालने के बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकाती हूँ, इससे जो चाय है वो बहुत अच्छी पक जाती है। तो चाय में मैंने अपने हिसाब से दूध डालने के बाद चीनी डाल दी है, तो जितना मीठा आप पीते हैं उतनी चीनी आप डाल सकते हैं। बाय द वे, एक कप चाय के लिए एक टीस्पून चाय पत्ती जाती है, दैट इज़ स्टैंडर्ड, इसलिए उसको टीस्पून कहा जाता है। बट कुछ लोग हल्की चाय पीते हैं, कुछ ज़्यादा कड़क, तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा चाय पत्ती को एडजस्ट कर सकते हो। एंड मीठा तो सबका ही अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मेरी चाय अच्छी तरह उबल चुकी है, साथ ही साथ लस्सी बन गई है। तो बस मैं चाय को स्ट्रेन करूँगी, और इसके बाद जो लस्सी मैंने तैयार की है ना, उसे भी सर्व कर लूँगी। और क्या आपने चाय का कलर नोटिस किया? और ये है ना, मैंने यहाँ पे गोभी साफ करके हल्के नमक के ल्यूकवॉर्म पानी में इनको रख दिया है। मैं बनाने लगी हूँ बेसिकली गोभी के पराठे। गोभी के पराठे का एक वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया है, लेकिन वो एक अलग रेसिपी था। पहले मैं ना यूजुअली गोभी के ऐसे ही फ्लॉरेट्स को कद्दूकस करके ऐसे कच्चे गोभी के ही पराठे बनाती थी, बट देन मैंने वो फिट ट्यूबर वाला वीडियो देखा, तो ही सेड कि पका के खाना चाहिए, उसके बेनिफिट्स हैं। तो आज मैं इसको फ्राई करके बनाऊंगी, और ऐसे पराठे मैं शायद बहुत सालों के बाद बना रही हूँ। मैंने पहले कभी ट्राई किया था, पर उसका टेस्ट हम लोगों को उतना पसंद नहीं आता। लाइक 19-20 बोलें तो 19 वही है, पर अगर हेल्थ बेनिफिट है तो फिर करना चाहिए। तो अभी मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दूंगी, और उसके बाद फिर शुरू करूंगी पराठे बनाना एंड रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए, जो बर्नर्स आप देख रहे हो ना, इन्हें मैंने साफ किया था विनेगर से और बेकिंग सोडा, इस कॉम्बिनेशन में डाल के ना इनको पहले सोक किया था, फिर क्लीन किया है। अच्छे लग रहे हैं ना, मस्त एकदम नए जैसे हो गए हैं। एक्चुअली ये साफ़ करने के बाद मैं इसका इस्तेमाल कर चुकी हूँ, सुबह से गैस यूज़ हो रहा है, वरना पहले तो ना इसका शाइन ऐसा था जैसे नया हो। और ये तवा मैंने सुबह पराठे बनाए थे, ये देखिए बहुत मस्त क्लीन हुए हैं। ये वाला बहुत काला हो रहा था, और ये काला हो रहा था क्योंकि मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इस पर अभी भी थोड़े से निशान हैं, बट अच्छा खासा इसका ब्रास दिख रहा है, दैट शाइन ऑफ ब्रास। तो जैसे मैंने बताया, इसको क्लीन करने के लिए आप विनेगर प्लस बेकिंग सोडा का मिक्सचर बना के इसको सोक करके रख दें थोड़ी देर, अपने आप ही इसका कलर बदलता हुआ आपको दिखने लगेगा। उसके बाद नॉर्मल जैसे बर्तन साफ़ करते हैं स्कॉच ब्राइट से, ज़रा सा घिस लीजिए और ये साफ़ हो जाएगा। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को पता होगी ये ट्रिक, बट जिनको नहीं पता है, बहुत सारी माई डियर फ्रेंड्स आर बिगनर इन द किचन, तो उन लोगों के लिए एक टिप था।
गोभी के पराठे बनाते हुए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये कि गोभी जब आप कद्दूकस करते हैं ना तो वो ड्राई होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ इसको फूड प्रोसेसर में चर्न कर लूँगी। आप चाहें तो जो मैनुअल कद्दूकस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मिक्सी नहीं करते हैं गोभी को क्योंकि उससे पेस्ट बन जाती है। तो मैं थोड़े फ्लोरेट्स को छोटे छोटे करके फूड प्रोसेसर में डाल रही हूँ, इसको थोड़ा सा चर्न कर लूँगी तो ये फाइन यू नो क्रश जैसा हो जाएगा। और सिर्फ गोभी के ही पराठे नहीं, सभी पराठे, आलू भी, मूली भी, जो भी पराठे, पनीर आप तैयार करते हो ना, बस आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप ले रहे हो पराठे के लिए वो सभी ड्राई हों, उनमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए क्योंकि मॉइस्चर से पराठे बाइंडिंग में बड़ी तकलीफ होती है। तो गोभी तैयार हो गई है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बाकी मसाले चॉप कर ले रही हूँ, हरी मिर्ची, धनिया और प्याज, क्योंकि अभी ये गोभी मैंने फ्राई करनी है तो उस वक्त ये चीज़ों का मुझे ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही इन सबको नहीं क्रश कीजिएगा क्योंकि थोड़ी चीज़ें चंकी चाहिए होती हैं, थोड़ी चीज़ें फाइन चाहिए होती हैं, इसलिए अलग से इन सबको मैं तैयार कर रही हूँ। इसके बाद एक कढ़ाई में ले लीजिए थोड़ा सा ऑयल, बहुत थोड़ा ऑयल आपको चाहिए बिकॉज आपको ये स्टफिंग ऑयली नहीं बनानी है। इसमें पानी रहेगा या ऑयल रहेगा तो दोनों ही चीज़ों से पराठे बनाने में दिक्कत आएगी। तो मैंने यहाँ पे डाला है प्याज, और प्याज को आपको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि ये प्याज अभी गोभी के साथ भी भुनेगा और फिर पराठे के अंदर जाकर भी पकेगा, तो इसे बहुत मत भूनिए, बस लाइक 30-40 सेकेंड्स। और इसके बाद इसमें डालिए कद्दूकस किया हुआ अदरक और बारीक कटे हुए हरी मिर्चें। और गोभी के पराठे में ना हरी मिर्ची, धनिया, अदरक बहुत ज़रूरी है, ज़रूर डाला कीजिए। प्याज ऑप्शनल है, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। आपने देखा मैंने किसी भी चीज़ को कलर नहीं दिया है, बस थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें भून रही हूँ और इसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें गोभी, और अब इसको फुल फ्लेम पर आपको भूनना है। तो यहाँ ऐड कर रही हूँ मैं ज़रूरी मसाले, वही रेगुलर पाउडर मसाले, हल्दी, मिर्ची और धनिया का पाउडर। हल्दी बस नाम मात्र की हल्दी, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। और अब इन चीज़ों को फुल फ्लेम पे आप भूनिए बिकॉज बेसिकली हम गोभी का मॉइस्चर उड़ा रहे हैं, गोभी को पका नहीं रहे हैं। गोभी थोड़ी तो भूनने के दौरान ही पक जाएगी और बाकी जो भी कसर रहेगी वो पराठे के अंदर जब आप इसे भर दोगे ना तब पक जाएगी। तो बस फुल फ्लेम पे इसे चला चला के अच्छी तरह से भून लीजिए, जितना मॉइस्चर आप समझ सकते हैं कि ड्राई हो गई है बस उतना उड़ा लीजिए। और अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें नमक डालिए, शुरू में नमक नहीं डालिएगा वरना ये सब्जी जैसी हो जाएगी। तो अच्छी तरह भून गया है, इसके बाद मैंने डाला है इसमें नमक स्वाद के हिसाब से, और नमक सिर्फ गोभी के हिसाब से डालिएगा, आटे के हिसाब से नहीं। तो इसमें सिर्फ गोभी के स्वाद जितना नमक, थोड़ा सा आमचूर का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, सारी चीज़ें मिला के मैं इसे और थोड़ा भून लूँगी। इसके बाद लास्ट में सारी की सारी गोभी की स्टफिंग मैं दीवारों पे चिपका दूँगी, कढ़ाई की दीवारों पे, है ना, जिससे कि जो सरफेस एरिया है कढ़ाई का पूरे के कॉन्टैक्ट में गोभी रहे और मॉइस्चर उड़ता रहे। और थोड़ा सा धनिया मिला के और 2-1 मिनट भून लीजिए। तो ये पूरी तरह भुन चुकी है, ड्राई हो गई है, बस मैं इसे कढ़ाई की दीवारों पे चिपका दूंगी, ये थोड़ी और अभी ड्राई हो जाएगी और इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो गोभी ठंडी हो गई, तब तक मैंने आटा भी गूंद लिया और मैं अभी सर्व कर रही हूँ पराठे शर्मा जी को, तो मैंने उनके लिए दही सर्व कर दिया है। अब ये जो गोभी है ना आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है और एकदम ठंडी है, ठंडी ज़रूर कर लीजिएगा पराठों में डालने से पहले। मैं यूजुअली 2 परत के पराठे बनाती हूँ जब गोभी वगैरह के पराठे बनाती हूँ, बट मैं सिंगल भी कभी कभी ट्राई कर लेती हूँ। और जैसे कि ये वाली स्टफिंग है ये ना तो मॉइस्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इसके सिंगल लेयर के पराठे बन जाएंगे आराम से। बट अगेन गोभी का पराठा है तो थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं आज आपको 2 तरीके बताऊँगी आप किस तरह से गोभी को सिंगल परत के हिसाब से भरवा पराठे बना सकते हो। पहला तो वही अपना रेगुलर तरीका जो होता है, ऐसा एक छोटा सा रोटी बना लीजिए जो बीच में थिक हो और किनारे उसके पतले होने चाहिए, और फिर उसमें जितनी स्टफिंग आप हैंडल कर सकते हैं या जितनी आपको पसंद आती है उतनी स्टफिंग ऐड करके फिर किनारे चिपका के जैसे पेड़ा और लोई हम यूजुअली बनाते हैं ऐसे बना के इस तरह पराठा बना लीजिए और इसे सेक लीजिए घी, बटर या ऑयल जो आपको पसंद हो। पराठे जो हैं वो कभी भी जल्दबाजी में मत सेकिए, फुल फ्लेम पे नहीं सेकना चाहिए, इससे क्या होता है ये जल्दी जल्दी जल जाते हैं और वो क्रिस्पीनेस इनको नहीं आ पाती है। तो क्रिस्पी बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑयल वॉयल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें स्लो कुक कीजिए। और दूसरा मेथड है पराठे भरने का, ये एक पतली सी रोटी बना लीजिए, लंबी सी, किनारे पतले रखिएगा, ये बात का आपको ध्यान रखना है।
तो रोटी जितनी आप नॉर्मल बनाते हैं ना उससे लंबी रोटी बनाइएगा, पतली सी। इसके बाद सेंटर में डाल दीजिए स्टफिंग, और इसके बाद दोनों तरफ से आप देख रहे हैं किस तरह मैं प्लीट बनाते हुए इसे लॉक कर रही हूँ, बस ऐसे लॉक कर लीजिए। इसमें बस एक नुकसान ये होता है कि इसकी एक साइड की जो परत होती है ना उसमें थोड़ा आटा आटा आपको फील होता है, बट अगर आप बिगनर हैं ना तो ये ट्रिक आपके लिए फुल प्रूफ है। बिना फटे आपके सिंगल लेयर वाले पराठे तैयार हो जाएंगे, और बस इसे नॉर्मल जैसे बेलते हैं वैसे बेल लीजिए। वैसे तो आप देख सकते हैं ये परत उतनी भी मोटी नहीं है, गोभी झांक रही है इसमें से, लेकिन दिस सिंगल पॉइंट इज़ नॉट अ शो स्टॉपर। अगर आप बिगनर हैं और इस तरह भरवा पराठे बनाना ट्राई कर रहे हैं तो ट्राई आउट दिस ट्रिक, आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत काम आएगी। बिना फटे आपके सिंगल लेयर के पराठे आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो पराठे अभी बन रहे हैं नाश्ते में, बेसिकली नाश्ता भी नहीं हो रहा है यार, ये ब्रंच टाइम है, क्योंकि सुबह बच्चों को भेजा था तो चाय के साथ रस्क वगैरह मैं और शर्मा जी ऑलरेडी खा ही चुके थे। ये ब्रंच टाइम पे बन रहा है और हमारे लिए तो ब्रेकफास्ट जैसा ही है। तो अभी शर्मा जी और मैं ये पराठे एज ब्रेकफास्ट खाएंगे, और उसके बाद ये स्टफिंग मैं रख दूँगी फ्रिज में, और जब बच्चे आ जाएंगे तो इसी स्टफिंग के गोभी के पराठे उनको भी मैं बना के दूँगी। और इस तरह भूनने का फ़ायदा ये रहता है कि फिर स्टफिंग है ना लूज़ नहीं होती, आप उसे आराम से स्टोर कर सकते हो। जैसे मेरे घर में बच्चे किसी वक्त आते हैं और हस्बैंड किसी और वक्त ऑफिस जाते हैं, तो ऐसे में बड़ा कन्वीनियंट रहता है इस तरह की स्टफिंग, और आप पराठे आराम से बना सकते हो। तो मैंने आज सुबह धुलने में लगाए थे कंबल, आज थी कंबल की बारी, तो ब्लैंकेट्स धुल चुके हैं, मेरा किचन का काम भी ऑलमोस्ट हो चुका है, तो बस मैं इन्हें फैला दूंगी, सारे दिन बाहर रहेंगे तो शाम तक सूख जाएंगे। और मुझे कुछ एक सवाल इन ब्लैंकेट्स के लिए भी आते हैं कि मैंने ये कहाँ से खरीदे, तो गाइज़ ये मैंने खरीदे थे होम शॉप 18 से, कुछ 7-8 साल हो गए तब मैंने ये दोनों खरीदे थे, और अब तक ठीक ठाक ही चल रहे हैं। तो इसके बाद है ना रात में मैंने बनाया था कस्टर्ड, रात में नहीं शाम में, बेसिकली कस्टर्ड की एक रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और फिर भी मुझे कुछ कुछ सवाल आते हैं कस्टर्ड की रेसिपी दे दें। तो कस्टर्ड कैसे बनाना है वो तो हर पैकेट के पीछे लिखा ही होता है, आपको कितना दूध लेना है, कितना कस्टर्ड लेना है। तो कस्टर्ड बनाना एज सच इज़ नो डिफ़िकल्ट थिंग, हाँ थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मुझे लगता है मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। यू स्ट्रगल वाइल मेकिंग कस्टर्ड, हालांकि ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बट थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आपको नॉर्मल जो प्रोसीजर है, दूध ले लेना है, उसको थोड़ा गर्म करने के बाद उसमें मिला दीजिए चीनी, और इसको फिर एक उबाल आने का वेट कीजिए। दूसरी तरफ एक बोल में कस्टर्ड ले लीजिए जितना मेंशन हो, और उसको हमेशा ठंडे दूध या ठंडे पानी में ही मिक्स आपको करना है। ठंडा सा मतलब रूम टेम्परेचर भी चलेगा पर गर्म नहीं, क्योंकि इस कस्टर्ड में होता है कॉर्न स्टार्च, और जैसे ही गर्म पानी के कॉन्टैक्ट में कॉर्न स्टार्च आएगा तो वो गुठलियाँ बनाने लगेगा, वो फूल जाता है बेसिकली, तो फिर कभी भी आपका कस्टर्ड घुलेगा नहीं। इसलिए हमेशा ठंडे दूध या पानी में कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करके घोल बना लीजिए। और जो दूध साधारण वाला जो आप पका रहे हो ना मीठा दूध, ये जब उबाल ले ले अच्छी तरह, इसके बाद ये कस्टर्ड का मिक्सचर आप मिला दीजिए दूध में, और उसके बाद इसको चलाते रहिए। जैसा मैंने बताया इसके अंदर है कॉर्न स्टार्च, वो नीचे चिपक जाएगा, गुठलियाँ बन जाएंगी और जलने लगेगा, इसलिए इसे ज़रूरी है कि आप निरंतर चलाते रहो, और चलाते रहिए जब तक इसमें एक अच्छा उबाल आ जाए। बाकी आपको कितना थिक रखना है या रनी रखना है ये टोटली आपकी चॉइस है। तो कस्टर्ड एक बार पक जाएगा तो इसे ठंडा करना बेहद ज़रूरी है, उसे पहले रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कीजिए, और इसके बाद फिर फ्रिज में चिल कीजिए। और मीनवाइल आपके जो फ्रूट्स हैं वो आप तैयार कर सकते हो। मैंने थोड़े से बादाम काटे थे पहले इस तरह स्लाइसेस में कस्टर्ड के लिए, थोड़े से अंगूर काटे हैं, और जब आपको असेंबल करना हो ना तब आपको सारी चीज़ें आप निकाल के बाहर रख लीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, सभी चीज़ें चिल्ड होनी चाहिए फॉर बेस्ट टेस्टिंग कस्टर्ड। और ये कस्टर्ड मैंने जल्दी ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, बट नो वरीज, इट्स ऑल राइट, आप फ्रिज में रखें फ्रीज़र में रखें। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर इज़ कि आप इसको फ्रिज से निकालेंगे ना उसके बाद ये बहुत थिक हो जाएगा, तो इसे अच्छे से फेंट लीजिए, एकदम वापस वैसा ही क्रीमी बना लीजिए जैसा ये पहले था फ्रूट ऐड करने से पहले। तो मैंने इसे फेंट लिया है, और अब मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देना चाहती हूँ। यूजुअली क्या होता है घर में सब लोग एक साथ खाना नहीं खाते, जैसे मेरे घर में होता है बच्चे पहले खाते हैं, शर्मा जी और मैं बाद में खाते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो,
जो आपने कस्टर्ड बनाया है ना उसमें फ्रूट्स मत ऐड कीजिए, एक सर्विंग बोल ले लीजिए, उसमें अलग से फ्रूट्स ऐड कीजिए और उसके ऊपर से कस्टर्ड मिलाइए। तो इससे क्या है, बहुत सारा कस्टर्ड जो है वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि फ्रूट्स के कॉन्टैक्ट में जब आप फ्रूट डाल देते हो ना कस्टर्ड में तो फ्रूट्स पानी छोड़ने लगते हैं और आपका कस्टर्ड ढीला ढीला हो जाता है, कभी आपने फील किया हो तो रनी हो जाता है, जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होती है वो नहीं रहती है। इसलिए कस्टर्ड को अनटच रख दीजिए, फ्रूट लीजिए बोल में, ऊपर से डालिए कस्टर्ड और ऐसे आप सर्व कर सकते हैं इसे। और यहाँ पे मैंने ले तो ली थी ये बोल, अच्छे तरह से भर भी लिया फ्रूट से, कस्टर्ड से, ऊपर से बादाम से भी गार्निश कर दिया। बाद में मुझे लगा यार सर्व करने के लिए तो ये हो गया बट खाने के लिए इट इज़ नॉट फंक्शनल, चम्मच डालेंगे तो ये बाहर गिरेगा। तो फिर इमीडिएटली मैंने ये कटोरियों में से कस्टर्ड को निकाला और बोल्स में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि इस तरह तो ये नहीं खाए जाने वाले थे। और जब मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो मैंने देखा कि कस्टर्ड भी फ्रूट्स के हिसाब से कम है, तो मैंने फिर इसमें थोड़ा और कस्टर्ड मिला के अच्छे से इसे मिक्स किया। तो ये हो रही है अभी सानवी खुशी के लिए सर्विंग। शर्मा जी जब ऑफिस से आए तो उनके लिए और अपने लिए मैंने कस्टर्ड तब असेंबल किया। तो इस तरह कस्टर्ड को बिना फ्रूट्स मिलाए आप फ्रिज में स्टोर कर दीजिए और जब आपको ज़रूरत हो तब निकाल के उतना ही जितना ज़रूरी है फ्रूट्स के ऊपर डाल के खा सकते हैं। तो बस इसी के साथ आगे हम वीडियो के एंड पे, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो, ये रेसिपीज़, ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए हैं। पसंद आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हो, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।